सवाल है जी, दुरुस्त जवाब के गिर्द, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। पेंसिल के साथ आप हल्का सा रंग भर लेना, बाद में अपनी पसंद का रंग भर सकते हैं आप लोग। रंग कहते हैं कलर्स को, ठीक है। दुरुस्त जवाब यानी जो जवाब ठीक है, हमने सामने दायरे भी बने हुए हैं ना, सर्कल्स छोटे छोटे जी। आगे तीन तीन जवाबात लिखे हुए हैं, इनमें से जो हमें जवाब दुरुस्त लगेगा, हमने उसके अंदर हल्का सा पेंसिल के साथ रंग भरना है। बाद में आप कलर्स इस्तेमाल कर लेना, जो भी मर्जी आपने पसंद का रंग भर सकते हैं। अब मैं पढ़ूंगी, ये जवाबात सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। हमने किताब पे देखना है, किताब पे उंगली रखे। नंबर एक, मुर्गी के डैश चूजे थे, मुर्गी के डैश चूजे थे। किताब के अंदर लिखा हुआ पांच, तीन या चार, मुर्गी के डैश चूजे थे, पांच तीन या चार। जी, जवाब है इसका नंबर एक में चार। ये सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, चार। नंबर एक में चार, जो गोल छोटा दायरा बना हुआ है उसके अंदर आप अभी रंग नहीं है तो ना भरिए। कर लिया, हाथ ऊपर करें। शाबाश। नंबर दो पे उंगली रखिएगा, नंबर दो पे उंगली रखिए। मैं पढ़ने लगी हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान दें। नोमी का रंग डैश था, नोमी का रंग डैश था, नोमी भी उसके चूजों में से एक चूजा था। याद है आप सबको, चार चूजे थे, ठीक है। नोमी का रंग डैश था सफेद, सफेद। नोमी का रंग सफेद था, सफेद कहते हैं व्हाइट रंग को, ठीक है, व्हाइट कलर, सफेद। जैसे आपकी किताब का ये जो सामने सफा नजर आ रहा है ये सफेद है ना, ऐसे ही सफेद रंग, अंडे का रंग भी सफेद होता है, ठीक है, सफेद। नोमी का रंग सफेद था। शाबाश, कर लिया आप लोगों ने। नंबर तीन, नंबर तीन, मोती का रंग डैश था, मोती का रंग डैश था, पीला काला लाल। मोती का रंग डैश था काला। इसका सही जवाब है काला, क अका ल अला, काला। ती ती नंबर पे लिखेंगे अब काला। उस दायरे के अंदर पेंसिल से आप हल्का सा रंग भर लें, पेंसिल से। आपने देखा ना, मुर्गी के चूजे चार थे, किसी का रंग काला था, किसी का सफेद था, चूचू का रंग पीला था और काला, मानी का रंग लाल और पीला था, नोमी सफेद रंग का था और मोती का रंग काला था, मोती का रंग काला था। नंबर चार, डैश ने बात नहीं मानी, नंबर चार, डैश ने बात नहीं मानी। याद है किसने बात नहीं मानी थी? मानी ने। किसने बात नहीं थी मानी? मुर्गी की मानी ने। तो इसका सही जवाब है नंबर चार पर मानी, म अमान न इनी मानी। ये मानी जो है वो नाम है उसका। मानी ने बात नहीं मानी, यानी उसने अपनी माँ की बात को नहीं माना था। और क्या हुआ फिर, उसे कौन उठा के ले गया? आगे पढ़ते हैं हम, नंबर पांच पे देखिएगा। डैश मानी को ले गई, याद आया कौन सा परिंदा ले गया था? बिल्ली, मुर्गी, चील। कौन उठा के ले गया था मानी को? हाँ, चील। चील भी एक परिंदा है, परिंदा कहते हैं जिसके पंख
पर होते हैं, हाँ जुड़ते हैं वो परिंदे होते हैं। आप परिंदा हो? आप उड़ सकते हो? नहीं, हम सब इंसान हैं। परिंदा कहते हैं परों वाले जानवर को जो उड़ सकते हैं। तो चील मानी को ले गई, नंबर 5 पर चील मानी को ले गई। आई हमने सफा नंबर 22 किया, ठीक है जी। ये है सफा नंबर 22, ये आप किताब के ऊपर करेंगे। कर लिए ना सबने मेरे साथ? शाबाश। अभी हम सफा नंबर 17 यानी 17, सफा नंबर, नहीं बेटा क्वेश्चन आंसर आपने नहीं करने, वो जुबानी सवाल आता है बस, ठीक है। उसके नीचे आपने देखा होगा लिखा होगा ऊपर ही जुबानी सवाल, यानी ये आपको मालूम है सब सवालों के। चूजों के नाम क्या थे? चूजों के नाम मानी, चूचू, नोमी और मोती था। ये जुबानी सवाल आता है। नंबर 2, मुर्गी, अम्मी मुर्गी क्या कर रही थी? अम्मी मुर्गी क्या कर रही थी? दाने चुन रही थी अम्मी मुर्गी, उनको दाने खिला रही थी बच्चों को साथ। किस चूजे ने बात नहीं मानी? मानी ने। नंबर 4, बात ना मानने का क्या नुकसान हुआ? मानी को चील उठा के ले गई। नंबर 5, क्या बड़ों की बात मानते हैं? शाबाश शाबाश, बड़ों की बात मानना अच्छी बात है। हमने यही सबक में पढ़ा ना, यही सीखा कि हमें बड़ों की बात माननी है। आग के पास नहीं जाना, बड़े मना करते हैं, चाकू से या छुरी से नहीं खेलना। तो कुछ बच्चे होते हैं वो खेलते चले जाते हैं, बाद में छुरी हाथ में लग जाती है, खून निकल आता है। तो ये नुकसान हुआ ना हमारा, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए जी। सफा नंबर 17, 17, 1 और 7, 17। ये रहा, निकालिए पेंसिल आपने हाथ में रखनी है। अभी ये हमने किताब के ऊपर करना है। 17, 17 सफा नंबर। अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। अभी टीचर आपको स्क्रीन पे दिखाएंगी सफा नंबर 17, 17, 1 और 7, 17 जी बेटा। निकालिए सब बच्चों ने, हाथ ऊपर करें। शाबाश, आप सब बच्चे बहुत अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना आप लोगों ने, ठीक है बेटा। चले निकाल लिए अपनी, सब बच्चे किताब पर ध्यान दें। ये है बुनियादी मुसव्वता। मुसव्वता, 4 बुनियादी मुसव्वते हैं। अलीफ, वाओ, छोटी, बड़ी। मालूम होगा आपको, याद है छुट्टियों से पहले जब मैंने क्लास में आपको ये करवाए थे, बुनियादी मुसव्वते, अलीफ, वाओ, छोटिये, बड़िये। अभी हम छोटिये के साथ काम करेंगे। छोटिये की आवाज होती है ई। छोटिये की क्या आवाज है? ई। हाँ ये देख रहे हैं ना सामने स्क्रीन पे, छोटिये ई। सबसे पहले किताब में इस जानिब देखें, सीधे हाथ की तरफ, जिस हाथ से आप लिखते हैं उस तरफ देखें। मिलाइए, मिलाइए यानी ये तोड़ के लिखे हुए हैं हरूफ। उन्होंने हरूफे तहजी मालूम है ना, अलीबे, अलीबे हरूफे तहजी तोड़ के लिखी हुई उन्होंने, इसको हमने जोड़ कर लिखना है। पेंसिल है ना अभी आपके हाथ में, स्क्रीन पे सामने आप देख रहे होंगे। त यानी ते लिखा हुआ है, दरमियान में जमा का निशान है और छोटी है, और आगे भी देखा होगा आपने छोटे की बड़ी शक्ल को हमने छोटी शक्ल उसकी तब्दील कर देनी है छोटी शक्ल में। ते पूरा लिखा हुआ है और जब आगे मिलाइए यानी ये तोड़ के लिखे हुए हैं, इन सबको हमने क्या करना है? जोड़ के लिखना है, ठीक है बेटा। ते की बड़ी शक्ल है, इसको छोटी शक्ल में बदल देना है। त के साथ ई, ई जो है वो लाइन से थोड़ा नीचे आएगा, ये दायरवी हर्फ है जी, इसका पेट थोड़ा
नीचे खूबसूरत लिखाई करनी है आपने, स्टार भी दूंगी मैं आपको। फिर आगे है ज ई जी, ज ई जी, ज लाइन से थोड़ा ऊपर उठाओ, शाबाश। अबीरा ने कर भी लिया है, वेरी गुड अबीरा, शाबाश। कुछ बच्चे बहुत अच्छा नीट काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं। सब बच्चे देखिएगा, ज ई जी, ज थोड़ा सा लाइन से ऊपर उठा हुआ होगा और ई थोड़ा लाइन से नीचे। देखिए एक ऊपर उन्होंने मिसाल में आपको दे भी दी है। अलिया, अलिया ने भी लिख लिया है, अरुण ने भी कर लिया है, वेरी गुड। रेचल ने भी लिख लिया है, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सात बच्चों ने हाथ भी ऊपर कर लिए है कि हमने कर लिया है, शाबाश जी। आगे द ई दी, दाल के छोटी शक्ल नहीं होती, दाल लाइन के ऊपर रहेगा और ई आधा लाइन से नीचे आधा ऊपर। फिर स ई सी, स को लाइन से ऊपर उठा के लिखना है और ये दायरवी हर्फ है ई, इसको थोड़ा लाइन से नीचे लाना है हमने। दायरवी हर्फ कहते हैं दायरे वाले हरूफ जो होते हैं, जिनके पेट होते हैं, जैसे जीम का खानदान दायरवी हरूफ है, सीन का खानदान, स्वाद का खानदान। स्वाद स्वाद होता है ना हरूफ तहजी में। और उसके बाद नून, लाम, ये दायरवी हर्फ है, छोटी ये भी दायरवी हर्फ है, ये आधा लाइन से नीचे जाएगी, ठीक है जी। फिर है तोए ई टी, तोए की छोटी शक्ल लाइन से ऊपर उठा के लिखना आपने, लाइन को नहीं छूना। फिर ई लाइन से नीचे आ जाएगा थोड़ा। फिर ल, ल को भी लाइन से ऊपर उठाना है, लाइन को नहीं छूना, ल लाइन से ऊपर उठाओगा। फिर ई दायरवी हर्फ थोड़ा सा नीचे, न ई नी। फिर ह ई ई, अब आपने देखा होगा ह की छोटी शक्ल, देखिएगा गौर से कैसे लिखा हुआ है सबसे आखिर में, ह हाथी वाला ह, हाथ ह, उसकी छोटी शक्ल देखिएगा गौर से, ह ई ही, शाबाश। अब आपने उल्टे हाथ की तरफ आए, इस तरफ अलग कीजिए, ऊपर से पढ़े अलग कीजिए, यानी अब हमने तोड़ उनके करने हैं, ये जोड़ के हरफ लिखे हुए हैं, इनको हमने तोड़ के लिखना है। सबसे पहले ट ई टी, ट ई टी, जी बेटा पहले टे लिखना है पूरी शक्ल, फिर ई लिखा हुआ ना पहले उन्होंने किताब के अंदर, ताकि आपको याद रहे कैसे करना है। फिर है च ई ची, चे की बड़ी शक्ल, दायरवी हर्फ है चे भी, आधा नीचे आधा ऊपर। फिर उसके बाद ई, ई भी देखें किताब में कैसे लिखना आपने। फिर र ई री, शाबाश। फिर स ई सी, स्वाद की आवाज को हम स बोलते हैं, स। अरिशा साहिद ने भी किया, आई हैव डन, शाबाश अरिशा। फिर ग ई री, गैन की आवाज को हम बोलते हैं ग, ग, ग ई री। फिर उसके नीचे क ई की, काफ देखें लाइन को छूना है, ये कश्ती वाला हार्फ है, काफ कश्ती वाला हार्फ है, इसको लाइन को छूना है। हवाओं में नहीं उड़ानी अल्फाज, आपको मालूम है ना मैं स्टार नहीं दूंगी, फिर जब स्कूल स्टार्ट होगा तो फिर मैं बुक्स चेक करूंगी, स्टार नहीं मिलेगा। जो बच्चों ने नीट काम किया होगा उसको गोल्डन स्टार मिलेगा, मालूम है ना, मैं देती हूँ कॉपी में भी किताब में भी, फिर देखेंगे सबसे ज्यादा किस बच्चे ने गोल्डन स्टार लिए हैं।
फिर उसकी सॉफ्ट बोर्ड पे हम तस्वीर भी लगाएंगे क्लास में। ये सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार लेने वाला बच्चा कौन है? चले जी, उसके नीचे है ल ई ली, ल ई ली। ल भी दायरवी हर्फ है और ई भी, इसको लाइन से थोड़ा नीचे। जी अबीरा, मिलेगा गोल्डन स्टार आपको, पता ना फेस पे भी मिलता है। अबीरा तो लड़ लड़ के स्टार लेती है मेरे से, मुझे डबल स्टार दे। म ई नी, म आखिरी देखें, आखिर में म आधा लाइन से नीचे और ई भी आधा लाइन से नीचे लिखना। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का काम। अभी आप लोगों ने सामने स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको जुमले दूंगी। मालूम है जुमले बनाए, जुमले सबसे पहला लफ्ज है प्यार। इसको अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। डायरी में जुमले आपने उर्दू ए की कॉपी के ऊपर बनाने होंगे, जुमले उर्दू ए की कॉपी के ऊपर। प्यार, 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 प्यार पहला लफ्ज है प्यार। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने वालिदैन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करती हूँ। वालिद कहते हैं बाप को और वालिदा माँ को, और अगर माँ बाप तो फिर वालिदैन। आज आपने नया लफ्ज सीखा वालिदैन, वालिद और वालिदा और वालिदैन। जैसे इंग्लिश में मामा पापा इन दोनों को पेरेंट्स बोलते हैं, ऐसे उर्दू में हम बाप को वालिद, मामा को वालिदा और माँ और बाप को वालिदैन। मैं अपने वालिदैन से बहुत प्यार करती हूँ। फिर शौक, 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 मैं शौक से पढ़ती हूँ, मैं शौक से खाना खाती हूँ, मैं शौक से खेलती हूँ। आपने जुमले बेटा खुद लिखने हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं कहना। ठीक है, जो लफ्ज नहीं आते, मुश्किल अल्फाज आपने रफ पेज पे या रफ कॉपी पे लिख के मामा को कहना, मुझे ये लफ्ज नहीं आता। जैसे मैं शौक से पढ़ती, पढ़ती नहीं लिखना आता, उन्हें कहे मुझे पढ़ती लिख दे। या मैं शौक से खेलती हूँ, खेलती लिखें, नीचे तीन मर्तबा लिखें खेलती खेलती खेलती, और फिर जब आप जुमला लिखेंगे कॉपी में आपको वो लफ्ज आ जाएगा, मैं शौक से खेलती हूँ। ठीक है जी, ये जुमले मैं इसीलिए देती हूँ ताकि आप जुमले खुद बनाएं और खुद लिखें नीट कॉपी पे, ऐसे आपको उर्दू आ जाएगी। अगर आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं, वालिदैन को, कि हमें जुमले लिख के दे कॉपी में, तो वो मैं कबूल नहीं करूंगी, मैं ऊपर लिख दूंगी, ब्राय मेहरबानी अपना काम खुद करें। तो आपको क्लास में या ब्रेक में बैठ के दोबारा करना पड़ेगा वो काम। तो बेहतर है अभी आप घरों में, नहीं बेटा क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी पे नहीं करने, क्वेश्चन आंसर जुबानी थे बस, सवाल जवाब जो थे वो जुबानी थे, वो नीट कॉपी पे नहीं करने। नीट कॉपी के ऊपर सिर्फ आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है बेटा, आज की तारीख लिख के जुमले। अगला है फल, मैं फल शौक से खाती हूँ, फल सेहत के लिए अच्छा है। सेहत सह हर्फी लफ्ज है, सह हर्फी कहते हैं तीन हर्फ का लफ्ज, स्वाद है ते सेहत। तो ये अपने पेरेंट्स को कहिएगा, अपनी मामा को वालिदा को, कि आपको सेहत लिख के दें, खेलती लिख के दें, खेलता नीचे नीचे लिखें, और फिर जुमलों में इस्तेमाल करें वो अल्फाज को जो आपको नहीं आते। अगला लफ्ज है फूल, माली फूल तोड़ दो। मुझे फूल बहुत पसंद है। खाना, मैंने शाम को खाना खाया, मैंने खाना खाया जी।
मेरे भाई ने खाना खाया। फिर है इमला के अल्फाज, नंबर एक गेंद, बिल्ली, मुर्गी, दौड़ते सफेद। फिर से मैं बोल रही हूँ, गेंद, बिल्ली, मुर्गी, दौड़ते सफेद, ये थे इमला के अल्फाज, ये आपने याद करने हैं और घर में मामा को कहना है मुझे जुबानी लिखवाएं। ठीक है जी, सिर्फ जुमले आपने नीट कॉपी पे लिखने हैं, आज की तारीख लगा के, हाशिया लगा के। ठीक है बेटा, चलें जी, अब मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।